हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। मध्य प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि दो महिलाओं और एक पुरुष को सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर हनी ट्रैप में फंसाए जाने के बाद हिरासत में लिया गया। दोनों पर पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के आरोप हैं। सेना, पुलिस अधिकारियों और अन्य एजेंसियों द्वारा सेना की जानकारी एकत्र करने और उसे पाकिस्तान भेजने के संदेह में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आईजी हरिनारायण चारी मिश्र के मुताबिक महू आर्मी कैंट एरिया में दो महिलाओं और एक पुरुष को संदेह के आधार पर पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ तथ्य मिले हैं, पूछताछ और तथ्यों की पुष्टि के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इनसे कुछ गैजेट्स भी जब्त किए गए हैं जिनकी जांच की जा रही है। बताया जाता है कि ये पिछले काफी दिनों से पाकिस्तान में किसी के संपर्क में थी और यहां सैन्य छावनी के बारे में जानकारी पहुंचा रही थी। कुछ दिन पहले ये महिलाएं रोड पर चलते हुए पाकिस्तान में फोन पर बात कर रही थी। इस दौरान सेना के गोपनीय विभाग ने इनकी फ्रीक्वेंसी पकड़ ली। इसके बाद से इन पर लगातार नजर रखी जाने लगी। चार दिन पहले भोपाल से इंटेलिजेंस ब्यूरो ATS तथा स्थानीय आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने इनके घर पर गोपनीय तरीके से दबिश दी थी। इसके बाद यहां लगातार कई गाड़ियां आती रहीं और लोगों को शक हुआ। इसके बाद खबर उजागर हुई। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इनसे पूछताछ कर सकती है। जानकारी के मुताबिक इन बहनों के नाम कौसर और हिना हैं। दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इनके पास से मिले लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। बताया जाता है कि इन्हें मॉरिशस से फंडिंग हो रही थी। इनके पिता सेना में नौकरी कर चुके थे और बाद में इंदौर में SBI की एक शाखा में सुरक्षाकर्मी भी रहे। उनकी मृत्यु हो चुकी है। दोनों बहनें कई जगह नौकरी कर चुकी हैं, वो कहीं भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती हैं। हिना महू में बिजली कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती रही। ऐसा बताया जाता है कि ये कई जगहों पर काम करके अलग अलग जानकारियां एकत्रित करती थी। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।